आज की डेट में हम बात करेंगे एप्पल इंडिया की। आज की डेट की अगर बात की जाए, अराउंड 2% का धमाका देखने के लिए मिला है और पूरे सेक्टर में बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। और लगातार स्टॉक अभी गिरावट के बाद आप ट्रेंड में हैं, ऑलमोस्ट 1020 के लेवल से। अभी ये जो रिसेंट हाई स्टॉक ने बनाया, इससे पहले जहाँ से स्टॉक ने सेलिंग प्रेशर दिखाया था, इसको अभी ऊपर की ओर स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि आज की डेट में ये जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था 1080 का लेवल, इसको ब्रेकआउट दे चुका है। अभी आपने पोजीशन बना कर रखी है तो होल्ड करके चल सकते हो नीचे की ओर। ये जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और जब तक स्टॉक ये जो इसका रिसेंट लो है 1020-25 का लेवल नीचे की ओर ब्रेकडाउन नहीं करता, तब तक अपसाइड की संभावना एप्पल इंडिया में बनी हुई है। अभी टारगेट का बात की जाए तो इमीडिएट टारगेट बनेगा 1130 का लेवल। ये जो इसका रिसेंट हाई है जहाँ से गिरावट देखने के लिए मिली थी, स्टॉक ने डाउन ट्रेंड बताया था, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ तक के लेवल तो बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगे, हो सकता है कि आने वाले एक दो दिन में ही यहाँ तक के लेवल देखने के लिए मिले। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया तो फिर बड़ा ब्रेकआउट रहेगा, और इससे पहले अगर बात की जाए पिछले 6 महीने 1 साल की, तो लगातार डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, ऑलमोस्ट 1400 के लेवल से, और अभी ट्रेंड है पॉजिटिव। तो यहाँ से अगेन आने वाले 3 से 6 महीने पोजीशन को होल्ड किया जाता है तो 1400 तक के भी टारगेट ऊपर की ओर एप्पल इंडिया दिखा सकता है।